आपकी जिंदगी में पड़ी हुई तहज्जुद का नमाज पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। तहज्जुद पढ़ा करो, कोई मिले या ना मिले, अल्लाह मिल ही जाता है, और जब अल्लाह मिल जाता है तो सब मिल जाता है। तहज्जुद का नफिल बड़े ही प्यारे होते हैं, इधर इल्तिजाई उधर कबूलियत, इधर सजदे उधर मौजूज़े हो जाते हैं। तहज्जुद इतनी कीमती है, अगर अल्लाह हमें ना देता तो हम कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत किसको कहते हैं। मोहब्बत अल्लाह से हो जाए तो मुलाकात की तरह फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर ख़त्म होती है। दुआएं मांगते रहा करो, क्या पता तुम्हारी मनपसंद चीज़ ही अल्लाह की रजा हो। सब्र करो और ये जान लो, जो हो रहा है उसमें अल्लाह की मसलियत है और तुम्हारी बेहतरी। ये आपका तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आना बेवजह तो नहीं, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होना है। हासिल ख्वाहिश अधूरे हिस्से, नामुकम्मल ख्वाब, कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता जब बात तहज्जुद की दुआओं पर आ जाती है। सिफा बन जाता है वो आंसू जो तख्त रातों में बहाए जाते हैं। कौन कहते हैं अल्लाह, और एक पल में मुकद्दर बदल जाती है। परेशान हो, यकीनन तुमने नमाज और कुरान छोड़ रखा है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है, तुम्हारी कहानी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। तुम्हें दुआ का तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। तुम्हारे सबर का गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फायकुन लिखा जा चुका है, और अल्लाह तुम्हारे सबर का सिला तुम तक मिलकर ही रहेगा। सबर में सिकवे नहीं होते, सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी का सोर सिर्फ अल्लाह पाक ही सुनते हैं। ये शक्ति कुछ ही वक्त की बात है, सबर कर लो। सबर करने के वालों के साथ अल्लाह खुद होता है, और सबर करने के बाद अल्लाह आपको वहाँ से अता करता है जहाँ आपका गुमान भी नहीं होता। अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सबर का सिला तुम्हारे मन पसंद चीज़ की सूरत में देना है। बस तुम अल्लाह प्यारे पर यकीन रखना और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसने तुम्हें दुआ का तौफीक दिया है। यही सबसे बड़ी दलील है दुआ कबूल होने की।